One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं प्रयाग बाजार जो प्रेजेंट है मेरे सिटी गिरिडीह में टाउन थाना के जस्ट सामने, और आज यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं। एक कंपैरिजन वीडियो है NS160 2021 एडिशन एंड पल्सर 150 2021 एडिशन पे। तो आप लोग दोनों बाइक्स को देख सकते हो, दोनों का सिनेमैटिक्स भी आप लोगों ने देखा होगा। और क्या बताऊँ यार, इतनी सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि थंबनेल लेने के लिए पहले मेरे को बाइक यहाँ पे लगाना पड़ा। सोचा यहाँ पे वीडियो शूट करूँ, बिकॉज इंडोर में मेरा गोप्रो उतना अच्छा रिस्पांस देता नहीं है, तो पूरा जो क्लैरिटी है वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। उसके बाद फिर सोचा वहाँ पर शूट करेंगे अंदर में, उसके बाद बाहर बारिश बंद हो गई तो फाइनली यहाँ पर लगाए हैं। अब देखो कब तक क्या होता है, बिकॉज बाइक्स तो बच जाएगी लेकिन मैं अगर बारिश में भींग गया तो कुछ तो ऐसी दिक्कत होने से रहा। लेकिन आज यहाँ पर शूट कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को सिनेमैटिक्स कैसा लगा। आज इसका एक प्रॉपर वाला रिव्यू देंगे। हालांकि दोनों का मॉडल कंप्लीट चेंज है, एक आपकी 160 सीसी पे है, एक आपकी 150 सीसी पे है, और दोनों के पावर फिगर्स भी अलग अलग है, और दोनों का मतलब कि पोस्चर वगैरह भी देख सकते हो, स्टाइलिंग वगैरह भी अलग ही अलग है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। हेडलैम्प जैसा आपको NS200 में आता था डिट्टो, वैसा NS160 पे भी आता है, और हेडलैम्प वगैरह सेटअप इसका काफ़ी ख़तरनाक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और पल्सर 150 का अगर बोलो तो थोड़ा बहुत कॉमन लगता है, उतना ज़्यादा एडवांस नहीं दिखता है। हालांकि जो लुक आती है NS की वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस रहती है, कोई भी पल्सर का आप लोग देख लो, RS छोड़कर RS का भी एडवांस हो जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर बोलोगे नेक्ड स्पोर्ट्स बोलोगे तो वो NS को बोला गया है। और पल्सर 150 एज अ कम्यूटर आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स में भी चल सकता है, बिकॉज इंजन वगैरह का उतना कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन पल्सर का ऐसा मॉडल में कोई भी आपको 200 सीसी पे नहीं आता है, सिवाय पल्सर 220 के, उसका सिर्फ आप लोग देखोगे बॉडी फेयरिंग अलग रहती है, सेमी फेयर्ड रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। और NS कंप्लीट नेकेड लुक में आ जाता है, कंप्लीट वुल्फ टाइप का लुक आता है, वो आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोगों ने क्या क्या चीज़ से कंपेयर किया है NS को वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। और ये तो हो गया फ्रेस है, फेस का जो फेस जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो NS का है, कॉज ये थोड़ी अलग टाइप की दिखती है, और वो पल्सर 150 जो है वो थोड़ा कॉमन हो जाता है। आते फ्रंट के मडगार्ड पे, तो मडगार्ड आप लोग देख लो, जो ये फिनिश है मडगार्ड का ब्लैक में, थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर का फिनिश आपको दिखेगा मडगार्ड पे NS160 का, और साथ साथ पल्सर 150 के भी मडगार्ड में आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर का फिनिश दिखेगा। जो 2021 पल्सर लॉन्च हुई थी उसका कलर स्कीम्स जितना अलग अलग आया वो सब पे मैंने वीडियो शूट कर लिया, और NS का भी जितना आया था उस पर भी शूट किया था मैंने, तो पुराने वीडियोस चेकआउट ज़रूर करना। और दोनों में ही आपको ABS ऑप्शन मिल रहा है, डुअल चैनल ऑप्शन नहीं है, सिंगल चैनल ABS दोनों में आपको मिलेगा। और फ्रंट टायर की बात करें, फ्रंट एलॉय की, तो NS का दोनों एलॉय जो नया कलर में आने लगा है, दोनों में ही आपको वाइट कलर के एलॉय देखोगे। आगे एंड पीछे 90x90 का फ्रंट टायर है, 17 इंच का एलॉय है, और एलॉय कंप्लीट वाइट सेटअप पे है, मतलब पूरी वाइट है। राइट लेफ्ट रिफ्लेक्टर्स आपको फोक्स पे ही दिए हुए हैं, और ABS रिम एंड फ्रंट डिस्क हो गया। आते हैं पल्सर 150 पे, तो इसका जो टायर डायमेंशन है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। जो इसका टायर डायमेंशन है वो 90x90 का है, 17 इंच का एलॉय है, और कंप्लीट ब्लैक एलॉय सेटअप में आपको प्रेजेंट किया गया है। और साइड राइट लेफ्ट में रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो टेलीस्कोपिक फोक पे। ABS रिम एंड फ्रंट डिस्क, तो दोनों का फ्रंट लुक भी अलग अलग है, जैसा हेडलैम्प अलग है वैसा एलॉय का पोर्शन भी अलग है। उस पर आपको वाइट एलॉय मिल रहा है एक प्रॉपर वाला आगे पीछे दोनों में, एंड इस पर आपको आगे पीछे में कम्प्लीट ब्लैक एलॉय मिल रहा है।
तो लुक भी पूरी डिफरेंस है, कॉज मॉडल मॉडल अलग है। और सबसे बड़ा चेंज मैं बोलूँगा इसके, आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको पल्सर 150 में मिल रहा है और जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको NS 160 में मिल रहा है, दोनों ही अलग है। कॉज NS जो है वो आप उससे आप लोग मैं बोलूँगा एडवेंचर आराम से कर सकते हो, कोई वैसी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। लेकिन पल्सर 150 पे एडवेंचर करना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, कॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू NS 160। और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण अगर आप लोग एडवेंचर वगैरह करते हो तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है कि आप लोग अगर कोई पहाड़ी इलाके अगर कोई रफ़ रोड पे जाते हो ऑफ रोडिंग करने जाते हो तो नीचे इसका बार बार कुछ ना कुछ लगेगा जो आपको प्रॉपर वाला एक डैमेज दे सकता है आपकी बाइक को। तो एक बार आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बता देते हैं। तो NS 160 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 177 mm का है और काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई वैसे दिक्कत होने नहीं जा रहा है जर्क्स वगैरह पे एंड एडवेंचर राइडिंग वगैरह पे। लेकिन पल्सर 150 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है, तो देख सकते हो अप्रॉक्स 10-12 mm का दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो और इससे हो क्या सकता है कि अगर एडवेंचर राइड होती है पत्थर वगैरह पे चलती है NS तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी सही है। लेकिन पल्सर 150 को अगर आप लोग ले जाओगे तो भैया नुकसान होने जा रहा है आप लोगों को, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा अगर गलती से कुछ नीचे इंजन पोर्शन पे या फिर बेंड पाइप वगैरह पे अगर कुछ लग गया तो। तो ये भी एक डिफरेंस है कि इस पे आप लोग एडवेंचर राइडिंग आराम से कर सकते हो और इस पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, कॉज इसका जो हैंडल है हैंडल भी काफ़ी ख़तरनाक है, जैसा आपको दिख रहा होगा कंप्लीट स्ट्रेट हैंडल है और थोड़ा बहुत उठा हुआ है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और एडवेंचर राइडिंग टूरिंग के लिए NS यूज़ होती ही है, लेकिन इसका हैंडल थोड़ा दबा हुआ है और टैंक भी थोड़ा दबा ही हुआ है। लेकिन मैं बोलूँगा जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का गेम किया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज जो है वो आपको दोनों पे दिखेंगे, कि इसका मीटर जैसा 200 का मीटर आ रहा है जब से लॉन्च हुआ है 200 वैसे ही आपको सारे सेगमेंट पे दिया गया है, 160 बोल लो या 125 बोल लो, मीटर में ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, बस ट्रिप है ट्रिप भी वगैरह ABS लाइट इंडिकेटर और RPM मीटर स्पीडोमीटर वगैरह आपको दिखेगा और यहाँ पर बजाज का लोगो एंड ऑल राइट लेफ्ट इंडिकेटर। तो मीटर उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है एज़ कम्पेयर टू पल्सर 150, कॉज पल्सर 150 का मीटर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। आपको जैसे फ्यूल इंडिकेटर वगैरह इस साइड में प्लेस हो गए हैं, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एवरेज इंडिकेटर लास्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल विद इनिशियल फ्यूल प्रेजेंट इन योर टैंक, मतलब बहुत ही अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड किया है कि आपको एवरेज वगैरह भी बता रहा है। और मीटर का मतलब जो डिज़ाइन है जो अंदर डिजिट्स आते हैं उनका भी डिज़ाइन अलग अलग है, किल स्विच ऑफ रहती है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं करता है, ऑन करते हो तो आप लोग का मतलब 00 स्पीडोमीटर पे लिखा जाता है, RPM मीटर भी अलग से सेट हो जाता है। तो मैं बोलूँगा मीटर बहुत ही ज़्यादा एडवांस है पल्सर 150 का एज़ कम्पेयर टू NS 160, तो मीटर का भी चेंज है और आपको उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं मिलेगा एवरेज वगैरह के रिगार्डिंग जितना ऑप्शन आपको पल्सर 150 पे मिल रहा है। अब बात आती है दोनों के टैंक की, तो टैंक जैसा मैं आपको बता रहा था NS का टैंक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिखता है, जिसमें आपको पल्सर का मोनोग्राम एंड ऑल दिया हुआ है। और इसका ग्राफिक वगैरह भी देख लो, जो आपको 160 का ग्राफिक मिल रहा है, ऑयल्ड कूल का नीचे स्टिकर मिल रहा है और टैंक बहुत ही ज़्यादा इसका मैसिव लगता है देखने से, बहुत ही ज़्यादा बल्की दिखती है बाइक। लेकिन आप लोगों को जब मैं दोनों का डायमेंशन बताऊंगा तो आप लोग थोड़ी बहुत शॉक्ड हो जाओगे। इसका जो टैंक डायमेंशन है पल्सर NS 160 का वो 12 लीटर का टैंक डायमेंशन है, और पल्सर 150 पे आते हैं तो इसका टैंक उतना ज़्यादा बल्की तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लंबा है। और देखोगे टैंक पार्ट दोनों में छोटे छोटे प्रोवाइडेड है, इसका भी टैंक कंप्लीट ब्लू है, कॉज ब्लू कलर पे हम लोग वीडियो शूट करें तो दोनों ही मैंने ब्लू निकलवाया है, दोनों मैट पे फिनिश है और ग्राफिक्स वगैरह आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो टैंक डायमेंशन आपको पल्सर 150 पे मिल रहा है वो आपको 15 लीटर का है, एंड जो टैंक डायमेंशन आपको NS 160 पे मिल रहा है वो आपको 12 लीटर का है। तो देख सकते हो आप लोग दोनों पे टैंक का जो डायमेंशन है उसका भी डिफरेंस दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि इतना टैंक बल्की है तो उसमें ज़्यादा फ्यूल मतलब ज़्यादा फ्यूल स्टोरेज रहेगा, वैसा नहीं है, लेकिन फ्यूल स्टोरेज ज़्यादा आपको पल्सर 150 पे मिल रहा है। लेकिन लुक्स की बात करूँ तो ये थोड़ा सा एडवांस दिखता है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक तो है ही, इसका स्पोर्ट्स बाइक है ही और ही ज़्यादा स्पोर्टनेस इस पर आपको अट्रैक्शन वगैरह भी ग्रैब करती है और स्पोर्टनेस का लेवल और बढ़ा देता है अगर आप लोग NS लेते हो तो। लेकिन पल्सर 150 थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, थोड़ा सा मतलब देख लो अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो ये हमारे जैसे लौंडों के लिए काफ़ी सही है, मस्त है एकदम, लेकिन ये थोड़े अंकल टाइप हो जाती है। लेकिन
अभी मैं इंजन भी दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को बताता हूँ, तो इंजन में भी आपको डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज NS 160 पे आता है एंड पल्सर जो है वो 150 cc पे आता है, तो 10 cc का जो अंतर है उसमें बहुत पावर के अंतर हो ही जाती है, कि पावर जो आपका NS 160 में मिल रहा है वो 17.2 PS का मिल रहा है और टॉर्क जो मिल रहा है वो 14.6 Nm का मिल रहा है, लेकिन जो पावर एंड टॉर्क आपको 150 दे रहा है पल्सर 150 वो 14 PS का पावर एंड 13.25 Nm टॉर्क का वो प्रोवाइडेड है। और एक और चीज़, आपको पल्सर 150 में 2-valve इंजन मिल रहा है 4-stroke के साथ एंड पल्सर 160 में मतलब NS 160 में आपको 4-valve इंजन मिल रहा है 4-stroke के साथ, और ये वाला जो NS है वो आपको ऑयल्ड कूल सेटअप में मिल रहा है, लेकिन पल्सर जो है वो आपको एयर कूल सेटअप में मिल रहा है। तो ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि इसका इंजन आपको एडवांस मिल जा रहा है ऑयल्ड कूलिंग सिस्टम के साथ में, 160 cc है, पावर वगैरह ज़्यादा मिल जा रही है, लेकिन इसका इंजन थोड़ा सा मार खा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू NS 160 कि 150 cc पे है, एयर कूल्ड प्रोवाइडेड है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिकल है मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जो एडवांस करके दी गई है, एवरेज इंडिकेटर वगैरह जो बताती है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल से मीटर चलाना होगा, लेकिन जो NS डाई हार्ट NS फैन है उनके लिए ये बेस्ट है, मैं बोलूँगा उनको कुछ भी दे दो आपको NS का जो ये कंसोल है उनको बेस्ट लगेगा, बिकॉज डाई हार्ट फैन इज़ डाई हार्ट फैन एट द एंड। और आते हैं सीट वगैरह पे, तो स्प्लिट सीट ऑप्शन आपको दोनों में मिल रहा है, और ये सीट आप लोग देख लो, मतलब प्लेन टाइप में दिया हुआ स्प्लिट सीट नॉर्मल सा, और ये ग्रैब हैंडल एंड ऑल, लेकिन इसका जो है ये थोड़ा स्पोर्टी फिनिश में दिया गया है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये वाला सीट देखने में हमारे ऐसे लॉन्डो को, लेकिन अगर हमारे फादर वगैरह आके बाइक वगैरह परचेज करना चाहेंगे तो वो कभी NS 160 पे नहीं जाएंगे, अगर वो अपने लिए ले रहे हैं तो वो पल्सर 150 पे हमेशा जाएंगे, बिकॉज ये वाली बाइक थोड़ा सूट नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू हमारे फादर्स, और ये वाली बाइक सूट करेगी अच्छा खासा उन्हें, तो वो अलग मैटर है, वो जेन्युइन मैटर आप लोगों के घर का है, वो आप लोग अपना समझो, आप लोगों को क्या करना है कन्विंस करो, कन्विंस हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके रियर सस्पेंशन पे, तो फ्रंट का सस्पेंशन दोनों में सेम आपको टेलीस्कोपिक दिखेगा, लेकिन रियर का सस्पेंशन जो है वो इस पे आपको मोनोशॉक दिखेगा जो रेड कलर में प्रोवाइडेड है यहाँ पे, एंड इस पे आपको डुअल शॉक एब्जॉर्वर आपको प्रोवाइडेड है। और फुटपेक्स वगैरह की बात करें तो ये देख सकते हो फुटपेक्स वगैरह जो फिनिश दी गई है उसकी, मतलब कि रेयर फुट में वैसा रबर वगैरह यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट मेटल बॉडी जो रहता है और आगे में आपको रबर वगैरह यूज्ड है, लेकिन इसका फुटपैक देखें तो फुटपैक्स वगैरह उतना एडवांस नहीं दिखता है, नॉर्मल सा आपको दिखेगा, हालांकि NS का थोड़ा सा एडवांस दिखता है, तो वो तो इसके लुक्स वगैरह भी है कि इसका प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस NS, मतलब कि यार बार बार कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ इतना पॉइंट्स बोलकर, फिर से करते हैं कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, चलो। तो फुटपैक जैसा मैंने आपको बताया डिज़ाइन जो उसका है वो थोड़ा सा एडवांस दिखता है एज़ कम्पेयर टू दिस द NS द पल्सर 150, और प्राइसिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है NS 160 की और पल्सर 150 के, थोड़ा प्राइस कम है, तो प्राइस वगैरह भी वीडियो के एंड में बताएंगे, वो आप लोग देख लेना। और रेयर टायर पे आते हैं अब, तो रेयर टायर जो आपको मिल रहा है पल्सर 150 का वो 120x80 का है, 17 इंच का एलॉय है, जैसा फ्रंट में एलॉय वैसे ही आपको एलॉय मिल रहा है, और रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। लेकिन आते हैं अब NS पे, तो NS का आप लोग रेयर टायर देख सकते हो जो एलॉय है वो पूरी वाइट में मिल रहा है, 120x80 का रेयर टायर है, 17 इंच का एलॉय है, और डिस्क ब्रेक यहाँ देख सकते हो पूरी वाइट सेटअप में एलॉय है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को किसका एलॉय ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिर्फ एलॉय बताना, कॉज इसमें ज़्यादा डायमंड कट्स वगैरह प्रोवाइडेड है, और ये थोड़ा सा सिंपल टाइप का एलॉय है आपको दिख रहा होगा। और टेल सेक्शन पे आते हैं, तो टेल सेक्शन देखो NS का जो ये पूरा लुक है NS का, ये आप देख सकते हो NS 160 वगैरह का मोनोग्राम एंड ऑल, और टेल सेक्शन और पल्सर 150 का यहाँ पे आप देख सकते हो टेल, तो इसमें अच्छा खासा आपको मडगार्ड प्रोवाइडेड है जो आपके टेल सेक्शन से ही निकलता है, कोई हगर वगैरह नीचे मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको NS में डुअल जैसा कि आपको मडगार्ड देख सकते हो वो सेटअप है एंड आपको हगर वगैरह भी मिल रहा है, तो ये भी एक बड़ा चेंज है। और नेक्स्ट चेंज जो सबसे बड़ा है वो आपको देखो एग्जॉस्ट का, तो इसका एग्जॉस्ट कंप्लीट आपका बॉडी से बाहर निकल के आया हुआ है, अंडरबेली सिस्टम इसमें नहीं मिल रहा है पल्सर 150 पे, लेकिन NS 160 पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिल रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो कोई एग्जॉस्ट आपको बाहर दिखेगा नहीं, सब अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम आपको NS में मिल रहा है, जैसे 200 से आ रहा है वैसे ही आपको 125 तक सारा सिस्टम सेम ही मिल रहा है।
और अब आप लोग बताना कि आप लोग को कौन सा पसंद आया है, जितना इसका हो सकता है डिफरेंस वगैरह, जितना रिव्यू वगैरह तो मैंने दिया ही है पहले वीडियो में, और आज पूरा कंपेयर करके आप लोगों को मैं बता दिया। सिर्फ मेरे को जो मेन पॉइंट मिला है दोनों के कंपैरिजन का, वो आपके एक इंजन के रिगार्डिंग है एंड एक इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग है, कि इसका इंजन उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी दी गई है, मतलब एवरेज इंडिकेटर वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, और इसका इंजन एडवांस है और ऑयल कूलिंग सिस्टम भी है, इस पर एयर कूलिंग सिस्टम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जो पुराना जैसा NS का सेटअप आता है कंसोल का वैसा ही आ रहा है, RPM लिमिटर वगैरह भी दिया हुआ है आपको NS के कंसोल पे। तो ये एक दोनों का डिफरेंस हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम इसमें बहुत ही ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक उतना कुछ खास है नहीं। लेकिन लुक्स की बात करें तो लुक अब पर्सनल डिपेंडेड है लुक आपका, हालांकि अगर मैं बोलूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग अगर लेना वगैरह है तो आप लोग NS ले सकते हो, हालांकि पल्सर 150 भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वो हमारे अब पेरेंटल इशू है कि आप लोगों को कौन सा दिलाएंगे आपके फादर कि कौन सा आपको लेना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हो तो NS 160 ले सकते हो, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर थोड़ा सा अलग फील आता है, थोड़ा सा स्पोर्टीनेस ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा कूल भी लगता है देखने में, और जो बोलो हेलमेट्स वगैरह अगर लगा के चलते हो तो ये देखने में थोड़ी अलग क्लास टाइप दिखती है, थोड़ी अलग मतलब कि आपको वैसा राइडर टाइप लुक देती है। हालांकि ये थोड़ा कॉमन फीचर टाइप लगता है, कुछ वैसा एडवांस दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सीनियर सिटीजन वगैरह अगर लेना चाहते हैं, अगर सीनियर सिटीज़न कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उनके लिए ये वाला बेस्ट होगा। बिकॉज होता क्या है, सीनियर सिटीज़न का आप लोगों ने देखा होगा जो बॉडी का थिकनेस है, मतलब जो पेट वगैरह रहता है उनका, थोड़ा सा बेली निकला हुआ रहता है, तो बेली निकलने का प्रॉब्लम वो हो सकता है कि NS में ये पोर्शन में जो दिक्कत फेस करना पड़ेगा उन्हें, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा कि आपका जो बेली है वो बार बार आपका इस पर हिट करेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो देता है, लेकिन पल्सर 150 कोई वैसे दिक्कत होगा नहीं, आराम से आप लोग बैठो। इसका टैंक उतना ज़्यादा उठा हुआ नहीं है लेकिन उसका टैंक अच्छा खासा उठा हुआ है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब बात आती है दोनों की प्राइसिंग की, तो प्राइस बता देते हैं जो आपको पड़ रहा है। प्रयाग बजाज गिरिडीह में ऑन रोड पल्सर 150 का जो प्राइस पड़ रहा है वह 121,260 रुपीज़, और जो ऑन रोड पड़ रहा है NS 160 का वो है 131,833 रुपीज़। तो अप्रॉक्स 10,000 से 11,000 का डिफरेंस दोनों में आपको दिख रहा है, और 10,000 से 11,000 का डिफरेंस में आपको मैं बोलूँगा एक अच्छा इंजन प्रोवाइडेड है और ऑयल कूलिंग सिस्टम के साथ अच्छी लुकिंग, गुड लुकिंग आपको NS 160 मिल रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में मार खा जा रही है, वो मैं आपको बार बार बोलूँगा। कॉज ये है सच, ये इसका मतलब कि ट्रूथ है इसका कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मार खा जा रही है, भले डिज़ाइन बहुत ही सही है और पल्सर 150 में कुछ वैसा आपको लुक वगैरह देखो थोड़ा सा कॉमन टाइप ही दिखेगा, लेकिन दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS भी प्रोवाइडेड है। और एडवेंचर राइडिंग अगर करना चाहते हो, अगर ये टॉपिक पे बात हो रही है तो आप लोग NS लो यार, कॉज इसकी हैंडलिंग भी कुछ एक्सट्रीम लेवल की है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही है NS का। और नॉर्मल से सिटी राइडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप पल्सर 150 ले सकते हो या फिर पल्सर 160 NS 160 ले सकते हो। तो होप सो आपको एक कंपैरिजन का एक रिव्यू मिल गया होगा छोटा सा, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना और क्या क्या डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा। और फाइनली हमारा वीडियो अब एंड होने वाला है, और एक अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई लेकिन मैं पूरे पसीने से भींग चुका हूँ, ये दिक्कत हुआ, लेकिन वो कोई नहीं, चलिए वीडियो करते हैं एंड। होप सो आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो एंड होते होते यही बोलूँगा कि अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे तो यार वीडियो शेयर करो, बहुत ही जल्द 50 के हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो शेयर करना ज़रूर। वीडियो करते हैं एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा, जिसका हैंडलिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।